उन्होंने अपने एक्सपेरिमेंटल छत्ते की एक मधुमक्खी को लुभाने के लिए एक प्लेट में मीठा पानी रखा। मधुमक्खी छत्ते में लौटने से पहले इसे पीती थी। निशान वाली मधुमक्खी बाद में फिर इस मीठे पानी को पीने लौटी। वॉन फ्रिश ने नोट किया कि कुछ ही घंटों में कई दूसरी मधुमक्खियां भी उसके साथ आने लगी थी और ये हमेशा उसके छत्ते की ही होती थी। लेकिन सबसे हैरानी की बात यह थी, फ्रिश को मालूम था कि दूसरी मधुमक्खियां निशान वाली मधुमक्खी के पीछे पीछे प्लेट तक नहीं आई थी। कैसे? क्योंकि वो हमेशा छत्ते पर नजर रखा करते थे। उन्होंने प्लेट में मीठा पानी रखा था, ना कि शहद। यानी मधुमक्खियां अपनी गंध की खूबी के बल पर इस तक नहीं पहुंची थी। वो धीरे धीरे मीठे पानी वाली इस प्लेट को दूर करते चले गए। वो छत्ते से कई किलोमीटर दूर तक ही चले गए, फिर भी छत्ते वाली मधुमक्खियां वहां तक पहुंच जाती थी। तो निशान वाली मधुमक्खी ने भला मीठे पानी वाली प्लेट की सही लोकेशन कैसे दूसरी मधुमक्खियों को बताई कि वो आसानी से उस पानी तक पहुंच जाती थी।